HR न्यूज सच आपके सामने। HR न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम हिसार के रायपुर सेक्टर 1-4 के मैदान में आए हुए हैं और जैसा कि आप सभी को पता ही संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी समर्थक हिसार तारीखों पे आते हैं जब भी संत रामपाल जी महाराज की कोई तारीख होती है, लेकिन ये समर्थक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनका कि इनका बढ़ने का क्या कारण है और यहाँ ऐसा जो हिसार तारीख होती है संत रामपाल जी महाराज की, उनका आने का उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे आने का। नमस्कार सर, मेरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्र अनुकूल साधना करते करते हमारा छात सीने में खेती कर रहे थे, खेती किसानी छीन सीने में दर्द हुआ, तो दर्द हुआ सन 2014 को 4 अप्रैल को रात्रि के 9 बजे दास की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद धर्मराज के यहाँ जब यम के दूत पकड़ के ले गए तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से हाथ पकड़ के छुड़वा दिए और बोले बच्चे भक्ति कर जाकर। दास ने भगवान की भक्ति नारा लगाया रात्रि के 10 घंटे कम से कम, तो गांव वाले वो घर परिवार वाले भी बोले कि ये पागल हो गया, तो हम पे दबाव ज़्यादा डाला। तो हम जब सुबह मंदिर में मंत्र कर रहे थे तो हमें धर्मराज की कलम चलत जो मंत्र प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल देते हैं वो धर्मराज की कलम वहाँ सुरती लग के धर्मराज की कलम में टच होती जा रही थी, लिखती जा रही थी। ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर भगवान के अवतार आए हुए हैं इस प्रति। दूसरा अनुभव ये है कि मुझे सर्प ने डस लिया था जी, सर्प ने असली सर्प ने डस लिया था, लेकिन दास का कुछ नहीं बिगड़ा, दास का आगे आज जीवन शेष नहीं था। इनने संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना से परमात्मा ने जीवन दान दिया। जो आप हिसार तारीखों पे आते हो तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि आपको क्या मिलता है कि आप हिसार तारीखों पे आते हो? यहाँ आने का सबसे तो उद्देश्य ये मिला कि जो जन्म मरण का रोग है ये हम असंख्य युग से ये नहीं समझ पाए कि हम क्यों जन्मते क्यों मरते, क्यों पशु पक्षी की योनि में चले जाते हैं। हमारे पूर्वजन्म भूत परदादा भूत पितृलोक में चले गए हैं जी, शास्त्र विरुद्ध साधना करके या शास्त्र अनुकूल साधना करके। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिखाया था कि लवा गए थे पकड़ के, तो हमें को सतलोक दिखाया था, सतलोक में जाके संत रामपाल जी महाराज उसी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे जहाँ कबीर भगवान बैठे तख्त पर, उसी में समा गए थे। तो जी स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। सतलोक का कैसा नज़ारा था? सतलोक का नज़ारा तो मुझे ज़्यादा नहीं देखा मैंने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर भगवान तख्त पर विराजमान थे, वहाँ उसी शरीर में संत रामपाल जी महाराज समा गए, तो इसलिए मुझे विश्वास हुआ कि जी स्वयं भगवान हैं। और वेदों में भी प्रमाण 4 वेद 6 शास्त्र ही बता रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध साधना खतरनाक होती है।